हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कोजी हेल्थ एंड आर्ट। आज मैं एक स्पेशल तरह की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैं कोई भी और गार्लिक और ऑनियन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। पूजा में भगवान को भोग चढ़ाने के लिए जो खिचड़ी बनती है, मैंने इसको ऐसे ही बनाई है। ये प्योर वेज है और मकर संक्रांति आ गया है तो इसमें भी सबके घर में खिचड़ी बनती है। तो प्लीज़ ये बनाने के लिए रेसिपी को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए इसको प्रोसीडियर हम देख लेते हैं। पहले इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल लिया है और इसको धीमी आँच पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। पहले दाल को इसको बस देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद और जैसे ही खुशबू निकलेगी तब तक ही इसको रोस्ट करना है। इसके बाद इसको मैंने धो के रखा है अलग से। अब एक दूसरा पैन गैस पे रख के मैंने ऑयल डाला है। इसमें 3 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया और उसके बाद मैं ऐड करूँगी साबुत जीरा। ये देखिए जैसे ही जीरा स्प्लटर होएगा, जीरा चटकने के बाद मैं इसमें एक तेजपत्ता डालने वाली हूँ। तेजपत्ता जो बाज़ार से लाया जाता है ये हमेशा थोड़ा सा इसमें धूल लगा हुआ रहता है तो इसको पहले से धो के साफ करके रखना चाहिए था। ये इसको बाद मैंने ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक पेस्ट ऐड किया और उसके बाद मैं हींग डालने वाली हूँ, एक चुटकी हींग। ये देखिए इसको अभी अच्छे से चला लेना है। एक बार जैसे ये मिल जाएगा इसके तुरंत बाद जो मैंने इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी वेजिटेबल, पपीते ऐड किया, आलू, उसके बाद हरी मटर ऐड किया, ये दोनों को भी अच्छे हाथ से मिला लेना है। गैस का ओवन लो फ्लेम पे रखना है, नहीं तो ज़्यादा जल जाएगा मसाला तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर भी। हल्दी और जीरा भी इसमें डाल देना है क्योंकि इसमें जितने सारे मसाला है, कोई भी ऑनियन या गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। तो वेज खिचड़ी में जो मसाला जाएगा ये है हल्दी पाउडर, ऑनियन पाउडर, अदरक, टमाटर, हींग और जीरा तेजपत्ता। इसमें और भी सारे वेजिटेबल डाल सकते हैं पर ये भगवान को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल ऐड किया है क्योंकि मैं इसके साथ और भी एक अलग से वेज खिचड़ी के साथ और भी एक अलग से वेजिटेबल बनाने वाली हूँ, चटनी रहेगा इसके साथ। तो इसमें बस इतना ही वेजिटेबल डाल दिया। अभी जो रोस्टेड मूंग दाल था इसको मैंने धो के रखा है, ये डालना है अभी। और 1 कप मूंग दाल के साथ मैंने 1.5 कप राइस लिया है, ये भी मैंने धो के रखा था पहले से राइस। अभी इसको मिलाने के बाद मैं ये शोक राइस जो है ये भी ऐड करूँगी और इसको भी एक बार मिला लेना है अच्छे से। ये मसाला भुनने के बाद ही डाल और राइस डालना है ताकि इसका जो खुशबू है और मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा। ये अभी राइस डालना है, इसमें धुले हुए चावल ऐड किया। इसके बाद भी इसको एक बार गैस लो फ्लेम पे रख के या तो मीडियम कर सकते हैं, फिर इसको सब 1 मिनट के लिए और भी भून लेना है। ये खिचड़ी कभी भी आप घर पे बना सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए और ये तुरंत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। ये भगवान को भोग चढ़ाने के लिए आसानी से बनाया जाता है, ये बच्चों के लिए भी इसको बनाने के बाद तुरंत खा सकते हैं। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा फ्राई हो गया। अभी इसमें मैं नमक और जैगरी इस्तेमाल करूँगी। नमक डाल दिया और अपने स्वाद के हिसाब से जैगरी ऐड कर सकते हैं या तो मैंने चीनी आप ऐड करती हूँ हमेशा, इसके लिए जैगरी इस्तेमाल किया इसमें। और ये खिचड़ी भी बहुत बढ़िया टेस्ट है इसमें, तो ऐसे लगता नहीं है कि इस पर बिल्कुल भी गार्लिक या तो अनियन की ज़रूरत है। इसको भी अच्छे से मिला लेना है अभी और इसमें मैं अभी पानी डालने वाली हूँ। ये खिचड़ी में मैं गर्म पानी ऐड करने वाली हूँ। इसके लिए एक दूसरे ओवन पे मैंने पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए
जैसे इस पानी थोड़ा सा गर्म होगा, एकदम लुकम रहेगा, ये पानी मैं इधर डाल दूंगी खिचड़ी में। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि जो मैंने 1 कप मूंग दाल और 1.5 कप राइस लिया है, तो मतलब 2.5 कप मेरा जो है, और पानी इसका डबल, मतलब 5 कप पानी ऐड करना है इसमें। तो खिचड़ी एकदम बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहना है। अभी इसको ढक्कन लगा के मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करूँगी, और एक बार बीच बीच में ढक्कन हटा के देखना पड़ेगा और इसको चलाते रहना होगा। ये देखिए लास्ट में दिख रहा है मेरा खिचड़ी एकदम पक के तैयार हो चुका है। इसका बहुत बढ़िया कलर भी दिख रहा है, खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छे। और ये बनकर रेडी हो गया। अभी ऊपर से मैं एकदम देसी घी ऐड करने वाली हूँ। देसी घी का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा है, तो ये घी डालने के बाद और भी बढ़िया दिखेगा, खाने में भी मज़ा आ जाएगा। और घी जैसे ही ऐड किया, घी जैसे मेल्ट होगा, इसमें थोड़ा सा मैंने फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट ऐड करने वाली हूँ। इसका भी स्वाद और कलर बहुत बढ़िया है, तो ये भोग वाली खिचड़ी के लिए परफेक्ट है। घी और कोकोनट ये मैंने लास्ट में ऐड किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।